बिल्कुल जिगर पे एकदम ट्रिगर चली गया. इट वॉज क्वाइट फन यार, मतलब मज़ा आ गया करने का, कुछ डिफरेंट करने को मिला लाइफ में. एंड कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे, बट इट्स अमेजिंग, मज़ा आ गया. इसी ऐसे काफ़ी लोगों को लगता है, क्योंकि जब मैं करके आया तो बहुत लोग बोलते हैं यार ऐसा सच में होता है, ऐसा होता है. मैंने बोला ये देखो, जहाँ हमारी शायद सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से ना शुरू होती है इन लोगों की, जो ये हमसे करवाते हैं. जितना ईजी दिखता है ना, आई डोंट थिंक सो ईजी दिखता है, बट जितना भी खतरनाक दिखता है ना, उससे कहीं खतरनाक करने में, और जो वो करने में जो इंसान की हालत ख़राब होती है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल है. तो पूरे टास्क रहा है, कौन सा टास्क आपको बहुत टफ लगा था? सी सारे ही लगे. आई थिंक जो कोई भी, जितने भी स्टंट, कोई भी ईजी नहीं था. एक स्टंट भी ईजी नहीं था, किसी का भी स्टंट ईजी नहीं था. बट या हाइट वगैरह, पानी वगैरह बहुत ख़तरनाक थे. बहुत मुश्किल से उनको हमें यू नो फेस करना पड़ा. बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई, बट मज़ा है. इस शो का बेस्ट आई थिंक, जाने से पहले ये चीज़ भी मेरे दिमाग में थी, अगर बेस्ट एक्सपीरियंस लाइफ में कुछ करना है तो रोहित सर के साथ काम करना है. एंड वो एक बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हमें लाइफ में करने को. एंड आई एंजॉयड अ लॉट, क्योंकि रोहित सर बहुत ही यू नो स्टार मेकर हैं. वो जो चीज़ें बनाते हैं वही इतनी माइंड ब्लोइंग होती है. और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, मतलब जो बंदा बिहाइंड कैमरा मैजिक दिखाता है, एंड उनके साथ एक स्क्रीन पे मैजिक करना, इट्स नेक्स्ट लेवल. सो वो एक बेस्ट चीज़ थी लाइफ की. सी कॉम्पिटिशन था, बट हम सब लोग आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे थे. मतलब हम एक दूसरे को बहुत, मुझे लगा नहीं था कि हम सब लोग आपस में दूसरे के साथ इतना क्लोज हो जाएंगे कि हम एक दूसरे को चेयर करने लग जाएंगे. सो वी यूज़ टू एक्चुअली चेयर ईच बड़ी. मतलब हमें कॉम्पिटिशन हमारे सामने है, बट हम उस चाहते नहीं थे कि मतलब वो हारे. तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत अच्छी थी सब में. एंड ऐसा नहीं सिर्फ एक में, सब में सब एक दूसरे के लिए चेयर करते थे. किसी को लगती थी तो सबको दुख होता था, सब रुक जाते थे लिटरली. एंड वो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आप अगर एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे अच्छे हो, तो उससे अच्छा और आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता है. भारती फुल ऑन सरप्राइज पैकेज है, क्योंकि उसको देख के लगता है जितना वो हंसती रहती है एंड माशाल्लाह हेल्दी भी है, तो लगता ही था कि वो मतलब, बट फुल ऑन पावर परफॉर्मेंस दी है उन्होंने. सी दोनों अपने अपनी जगह है. एक लाइफ में चेंज अच्छा है, हर चीज़ एक स्टेप आगे बढ़ना होता है, कुछ नेक्स्ट कुछ अलग करना पड़ता है. तो आई थिंक सीरियल्स के अलावा कुछ अगर अच्छा करने को था, तो आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट थिंग. खतरों की दुनिया में वापस का तो पता नहीं, बट जितना कर लिया आई थिंक बहुत कर लिया. बट या उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें तो लाइफ में और ट्राई करूँगा मैं, डेफिनेटली. सी सबसे अच्छी खबर तो यही है फिलहाल, आई थिंक यही. अगर उस पर ज़्यादा गौर करें तो बेटर है. बाकी नया भी आएगा बहुत जल्दी, अच्छा अच्छा आएगा. बट न्यू ईयर्स पे बिल्कुल एकदम प्लेट में हम लेकर आ रहे हैं शो, जिससे हमारी तो बहुत बुरी हालत हुई है, बट उनको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है. सो आई होप कि वो लोग एंजॉय करें ये शो.